This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chubu Lighting and Furniture, and by Smart Super Bazaar. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज 17 जुलाई सुबह 10:30 बजे मिल्लत नगर अलखैर फंक्शन हॉल में फ्री वैक्सीन कैंप रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद मर्द और ख़वातीन की यहाँ शरीक रही और बहुत ही खुशी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लोग आगे बढ़कर वैक्सीन ले रहे हैं और पूरी टीम यहाँ जो अमला गवर्नमेंट का आया हुआ है और साथ दे रहा है, अल्लाह ताला इनके आने को बेइंतहा कबूल फरमाए। और दूसरी अहम बात, ये जो कैंप रखा गया है मस्जिद काबा कौसैन कमेटी
के ज़िम्मेदारान की निगरानी में ख़ास तौर पर सैयद अब्दुल कादर साहब और पाशा भाई की ज़ेर निगरानी ये कैंप रखा गया है। इस कैंप में वैक्सीन के फ्री वैक्सीन के निज़ाम के साथ साथ यहाँ दो तंजीमों को बिलखसूस जो है एजाज से नवाजा गया, एक सफ़र आखिरत तंजीम, दूसरे सफ़ा बैतुल माल। इन लोगों का ये कहना था कि कोविड में जो इंतकाल हुए, डेड बॉडीज़ थे, जो हॉस्पिटल से घरों को मुंतकिल किया गया या इंतकाल होने के बाद जिनको जो है तजीज़ व तकफीन के इंतज़ाम में जिन लोगों ने हाथ बटाया उनके लिए शालपोशी गुलपोशी का और मोमेंटो का इंतज़ाम किया गया था। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारी तंजीम के ज़िम्मेदारान की जानिब से अब्दुल कादर साहब और पाशा भाई का कि उन्होंने हमारे सफ़ा बैतुल माल के कामों को सराहते हुए ख़ास तौर पर सफ़ा एम्बुलेंस का जो निज़ाम फ्री रखा गया है और सफ़ा लंगर का जो निज़ाम रखा गया है, इससे ये टीम मुतासिर होकर सफ़ा बैतुल माल के कारकुनान को ज़िम्मेदारों को बुलाया और उन्होंने हम सब की हिम्मत अफजाई की। अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमाए। और कनीज़ फ़ातिमा साहिबा ने भी अपना पैगाम जो है ना इन लोगों को पेश किया और उन्होंने कहा कि जब भी कोई भी मसला हो इंशाल्लाह वो भी इस महल्ले के लिए और काम करने वाले नौजवानों के साथ अपने ताउन को पेश करने का इजहार किया है। अल्लाह ताला यहाँ किए जाने वाले तमाम कामों को बेइंतहा कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। फ्री वैक्सीनेशन कैंप का इंतज़ाम किया गया है, मिल्लत नगर वार्ड नंबर 3 नया है और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने आकर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे वैक्सीनेशन के कैंप हर मोहल्ले में हो और इसका हमारी मिल्लत पूरा फ़ायदा उठाए, किसी की गलतफहमी में ना आए। बहुत से लोग इससे नावाकिफ़ हैं और बहुत से इसके साइड इफ़ेक्ट बता रहे हैं, इसके फ़ायदे बहुत कम बताते हैं। जो लोग इसके फ़ायदे बताते हैं उन्हीं के पास जाइए, जो साइड इफ़ेक्ट बताते हैं उस गलतफहमी में ना रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लें और इस कैंप को कामयाब करें। और मैं हमारे मिल्लत नगर कमेटी ख्वाबा हुसैन कमेटी की निगरानी में यह कैंप हुआ है, जनाब सदर साहब मकबूल पाशा साहब और उनकी पूरी कमेटी हमारे मिल्लत नगर की, 100 से ऊपर तो अभी तक हो चुके हैं आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह 500 का टारगेट है, मेरे ख्याल से 5 बजे तक हो जाएगा। MLA कनीज़ फ़ातिमा साहिबा ने भी यहाँ पर आज फ़ोन के ज़रिए से मैसेज दिया है पब्लिक को कि वैक्सीनेशन लें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और आज एक्स मेयर सैयद अहमद साहब भी मौजूद थे और हमारे आदिल सेठ साहब भी मौजूद थे इस कैंप में। मैं चाहता हूँ मस्जिद कमेटियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ गलत फहमी में ना रहें और ना ही इसको नेगेटिव लें, अच्छे पॉजिटिव तरीके से लोगों को अच्छा मैसेज दीजिए, आप अल्लाह की राह में अच्छे काम करते जाइए, इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, जज़ाकुल्लाह खैर। मेरा नाम सैयद खादर पाशा है, नया वार्ड मिल्लत नगर 3 नंबर से हूँ। जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे थे कोविड पेशेंट से करीब आकर, अगर कोई टीम यहाँ पे आई है नर्स और डॉक्टर जो अभी वैक्सीनेशन के ताल्लुक से, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इनकी जो खिदमत है सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव में, इसलिए इनको यहाँ पर शाम को जी किया। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chubu Lighting and Furniture, and by Smart Super Bazaar.